गोरखपुर छपरा रेलखंड के मैरवा आईटीआई कॉलेज के समीप शुक्रवार को ट्रेन से कटा हुआ एक अधेड़ का शव मिला है। सूचना पर जीआरपी पुलिस और स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर छत बिछत अवस्था में पड़ी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने अधेड़ के पॉकेट से आधार कार्ड, सेंट्रल बैंक का पासबुक और 18,500 रुपये बरामद किया है। मृतक की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के कीलपुर गांव के रामाधार साह के 55 वर्षीय पुत्र प्रभुनाथ साह के रूप में हुई है। मृतक की पहचान उसके पॉकेट में मिली आधार कार्ड से हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं मृतक के परिजनों को सूचना दे दिया गया है। वो मरवा स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान जो है कि मेवंगला की ट्रेन से एक आदमी जो है कि एक आदमी का एमआरओ हो गया है। आप लोग जाइए देखिए। कितना बजे आप लोग को सूचना मिला इस घटना का? 11:50 पे। 11:50 पे कौन से किस गाड़ी से घटना घटित हुआ है? अब हम लोग देखे नहीं, लेकिन मालगाड़ी से बता रहे थे, मालगाड़ी से हुआ। पिलर नंबर कितने के पास ये घटना घटित हुआ है? पिलर नंबर कहाँ लिखा है? 408:31। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है परमानंद प्रसाद, हेड कांस्टेबल RPF सिवान। हाँ, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1929। कहाँ करवाने वाले हैं सर? पीछे देखिए, ये जो है ये रहने वाले हैं, पता आत्मज राम आधार साह, कीलपुर। कीलपुर के रहने वाले हैं? कीलपुर सिवान बिहार। पर्ची अपना बता दीजिए सर।